खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की एकमात्र सबसे पुरानी शिक्षण संस्था जनता बुटाना पहुंचे। यहां पर उन्होंने त्रिवेणी लगाकर पौधारोपण किया। इस मौके पर पार्टी के विभिन्न नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर केसी बांगड़ इसी संस्था के सबसे पुराने सदस्य हैं और यहीं पर पढ़े लिखे भी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पे हुई है। आज पहुंचे डॉक्टर केसी बांगड़ शिक्षकों से मुखातिब हुए और अन्य स्टाफ से भी रूबरू हुए। यहां पर स्टाफ ने उनके सामने एक मांग रखी कि शिक्षण संस्थानों को स्टेट यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाए। इस पर डॉक्टर केसी बांगड़ ने कहा कि ये ठीक है स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग आप लोगों की, लेकिन जब तक जो पुराने हमारे संस्थापक हैं जिन्होंने संस्था को खड़ा करने में अहम योगदान निभाया है और अपने खून से इसे सींचा है, सबसे पहले उनकी राय ली जाएगी। अगर सभी सहमत होंगे तो सरकार के सामने इसका प्रस्ताव जरूर रखा जाएगा। भाई रविंद्र सांगवान जी, प्रिंसिपल महोदय जी और मेरे साथी अध्यापकगण, क्योंकि मैं जितनी परिभाषाएं मेरे बारे में जितनी बातें कही गई हैं, मैं उन सब से पहले एक अध्यापक और प्राध्यापक है। वाइस चांसलर को एक साल रहा, पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन 4.5 साल रहा, लेकिन एक अध्यापक 18 साल तक मैंने काम किया। सर्वप्रथम केवल एक सेंटेंस में अपनी बात कहना चाहूंगा अपने प्राध्यापक साथियों से कि हमारे देहात में, क्योंकि ग्रामीण अंचल में ये शिक्षण संस्थान है, इसमें प्रतिभाएं बहुत हैं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें पहचानने की और निखारने की। वो काम कौन कर सकता है? केवल अध्यापक और प्राध्यापक उस काम को कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। अभी जो ये पिक्चर दिखाई जा रही थी हेडमास्टर साहब की, अमीर सिंह जी की, 36 साल तक इस विद्यालय में दलवीर जी प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, जो नींव रखी थी इस विद्यालय की, उसमें एक टीचर के रूप में अमीर सिंह जी आए थे और 36 साल तक हेडमास्टर के रूप में इस विद्यालय की सेवा की और 36 साल तक तकरीबन 2 घंटे प्रतिदिन, 2 घंटे प्रतिदिन स्कूल टाइम से एक्स्ट्रा टाइम पर जो आज ट्यूशन बच्चे पढ़ते हो, ट्यूशन के रूप में उन्होंने 2 घंटे रोजाना पढ़ाया, 36 साल तक लगातार पढ़ाया और कभी किसी विद्यार्थी से इतना पैसा नहीं लिया, वो कहलाते थे। जी जी, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में 50 साल पीछे चला गया। जब मैं 12 साल का था जब इस संस्था में आया, आज 62-63 साल का हूँ और जब भी यहाँ आता हूँ मैं अपने आप को एक बच्चा समझता हूँ और एक भावुक हो जाता हूँ। वो टीचर मुझे याद आते हैं जिन्होंने इस संस्था को अपने खून पसीने से सींचा है, 35-36 साल तक लगातार 2 घंटे ट्यूशन के रूप में लगातार पढ़ाया हो जिन्होंने, और कभी एक नया पैसा किसी विद्यार्थी से नहीं लिया। वो रोल मॉडल टीचर मुझे याद आते हैं जब हम यहाँ आते हैं, और इस संस्था के लिए ये मेरे लिए एक शिक्षा का मंदिर है, हमेशा मंदिर समझा है, और इसके उत्थान के लिए जो भी योगदान मेरे से ज़िंदगी में बना, मैंने बहुत बार अनेक बार यहाँ योगदान भी दिया है। मेरी माता श्री भरपाई देवी के नाम से यहाँ एक वजीफा भी मैंने शुरू किया हुआ है, जो बच्चे 10वीं और 12वीं में जो फर्स्ट आते हैं उनको हम 5100 रुपये जो हर साल, या जो प्रथम बच्चे आते हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए ये फेलोशिप है FD मैंने करा रखी है, उस FD का जो पैसा आता है उस FD से यहाँ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे आगे चल करके जो ना अच्छे इंसान बने, अच्छी तरक्की करें, बड़े अफसर बने, बड़े राजनेता बने, देश के
विकास में अपना योगदान देश के। जी 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 नहीं, वो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट इसको एक्वायर करे। मैंने सुझाव दिया कि इस इलाके के लोगों के खून पसीने से ये संस्था बनी थी। 2000 के करीब वो मेंबर हैं इस संस्था में, जिन्होंने इस संस्था को खड़ा करने में योगदान दिया, जिन्होंने अपनी ज़मीन दान दी और जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ कमरे खड़े किए, अपने घर की कड़ियाँ उतार करके यहाँ स्कूल के कमरों में कड़ियाँ चढ़ाने का जो काम किया, उन लोगों से सलाह ली जाए। क्या वो इसे प्राइवेट संस्था अपने 12 की संस्था ही रखना चाहते हैं या इसको वो गवर्नमेंट को देना चाहते हैं? जो लोग वो फैसला करेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैंने ये सुझाव दिया है कि वो जो 2000 जो लोग उनकी मीटिंग बुलाई जाए सबकी, और वो इकट्ठे होकर के जो भी सुझाव दें वो कहेंगे हाँ हम तैयार हैं इसको देने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं एक वकील बन करके सरकार को आपकी पैरवी करूँगा, और अगर वो ये कहेंगे एक नहीं हम तो इसको अपनी संस्था रखेंगे, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हम इसी रूप में इसको रखेंगे, तो मैं अपने इलाके के लोगों के साथ खड़ा हूँ, इनके साथ नहीं।